सोनपुरी में उपस्थित आप सब संत समाज, मानव समाज, माता बहनी बाल बच्चे युवा साथी मन, आप मन से मन आशा करथन कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी, परम पूज्य गुरु अमरदास बाबा जी, राजा गुरु बालक दास साहेब एवं समस्त गुरुजन से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पुनः जोरदार ताली गड़गड़ाहट के साथ, खुशी उमंग के साथ जय घोष के नारा लगाओ। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु अमरदास बाबा की, राजा गुरु बालक दास साहेब की, लोणार से काम की, सादा झंडा की, साहे गुरु रत्ना। तो इस प्रकार से बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ आप जयकारा लगाए। निश्चित रूप से पूर्व में सतनाम रावटी के माध्यम से आप मन के गांव में हमर आगमन हो रही, वो समय आप समस्त ग्रामवासी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ, खुशी उमंग के साथ गांव के मेड़ों से बाजा गाजा डीजे सब माता मन बड़े ही श्रद्धा से आरती थाली साज के युवा साथी मन पंथी नृत्य जयकारा लगाते हुए, समाज के सियान बुजुर्ग मन मंगल भजन गाते हुए जयकारा लगाते हुए गांव के मेड़ों से स्वागत अभिनंदन करते हुए यह क्षेत्र हमारे प्रांगण में उपस्थित हो रहे हैं। घर मंच में आसीन होकर के सेठ खाम के आरती पूजा कर गुरु गद्दी में आसीन होकर आप सब मल्ला इसी मंच के माध्यम से गुरु दर्शन, गुरुवाणी एवं सत्संग सुने के अवसर सबला प्राप्त हो रही है। परंतु कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात बहुत से ऐसे श्रद्धावान संत परिवार रहीन जो हमर से निवेदन करी कि बाबा जी 10 मिनट मोरो घर में भी आपन चरण पग रख देते हो, मोर परिवार दर्जती मोर बाल बच्चा मनला आशीर्वाद मिल जती, कोनो 5 मिनट के लिए समय मांगी, कोनो 2 मिनट के समय मांगी, परंतु कार्यक्रम में व्यस्तता और समय के अभाव में समय नहीं मिल पा रही और वो संत मन के जो इच्छा है वो अधूरा रह गई। परंतु हम वो संत मला वचन दिए रहे कि आने वाले भविष्य में जरूर ऐसे कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित हो ही जेमा आपला पूरा भरपूर गुरु सेवा करे का अवसर प्राप्त हो ही। तो वही वचन ला पूरा करे खातिर ये घर घर गुरुचरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। घर घर गुरुचरण कार्यक्रम के उद्देश्य यही है कि जो भी इच्छुक संत परिवार है, जेकर मन में आशा है, श्रद्धा है, जे गुरु ला अपन निवास में ले जाना चाहते तो ऐसा सब संत मन की इच्छा ला पूरा करे खातिर ही ये घर घर गुरुचरण कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि इच्छुक संत परिवार मन के आशा पूरा हो सके। और यह संदेश ला हमर महंत मन के द्वारा हर गांव गांव में सूचना और संदेश प्रसारित किएगी, ताकि जो भी इच्छुक संत परिवार है वो अपन नाम और मोबाइल नंबर नोट करवा सकते और जब गांव में गुरु के आगमन हुई तो बारी बारी सबके घरों में गुरु के आगमन हुई और आप समस्त संत समाज जेकर भी श्रद्धा है अपन मन इच्छा अनुरूप गुरु के सेवा कर सकते, चरण अमृत पा सकते और जेकर जैसन मनौती है मना सकते। यही उद्देश्य को लेकर के घर घर गुरु चरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही यह कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य यह भी है कि अभी कुछ समय पहले पूरे विश्व ही नहीं भारत देश के विभिन्न राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर में एक महामारी कोरोना वायरस के रूप में फैले हुए रही। जिला हमन टीवी में न्यूज में देखा तो हमारे मन में एक चिंता और एक भय व्याप्त हो गई कि हमर अपन भविष्य ला लेकर के हमर बाल बच्चा मन के रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा, हमर जीवन के भविष्य किस प्रकार से चलही, ऐसा विचार ला लेकर के हमर मन में एक चिंता और एक भय व्याप्त हो चुके।
तो हम सतनामी समाज एक गुरु प्रधान समाज है, गुरुमुखी समाज है। जब भी हमर मन में कोई भी दुख पीड़ा आते तो हमन सबले पहले गुरु घासीदास बाबा ला समर्थन और गुरु बाबा जी से विनती करथन कि हे बाबा जी, हमर जो भी दुख कलेश है ओला दूर कर दो। तो गुरु होने के नाते, समाज के मुखिया होने के नाते, हमर भी दायित्व कर्तव्य बनते कि ऐसा विषम परिस्थिति में हमरो समाज के संत मन की इस प्रकार से अपन जीवन यापन करत है, कौन मन का कुशल है कि नहीं, अच्छा से है कि नहीं, उनका हालचाल जानना चाहिए और सुख दुख बांटना चाहिए। ये हमर मन में एक विचार आई, संत मन हमर पास नहीं आ पाते तो क्यों ना हम स्वयं उगर घर घर तक जावन, और इच्छुक संत परिवार के जब उगर घर में जाबो तो उगर परिवार के साथ बैठ के उगर हालचाल ला जानबो, सुख दुख ला बांटबो, और मन में यदि किसी प्रकार की चिंता है, भय है, तो वह सकारात्मक आशीर्वाद प्रदान करके पुनः निर्भीकता से जीवन की ओर आगे बढ़े के प्रेरणा और आशीर्वाद दिए जाए। यही विचार लेकर के घर घर गुरुचरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो आज की कड़ी में आप मन के गांव में लगभग 7 से 8 परिवारों के निवेदन आए रही थी। जब कार्यक्रम ला संपूर्ण पूर्ण करे के पश्चात आज आप समस्त ग्रामवासी मन के श्रद्धा रही कि जीकर घर में नहीं जा पाए तो यह सेत काम प्रांगण में गुरुद्वारा के समीप घर मंच लगाए जाए और समस्त ग्रामवासी मन लभी गुरु दर्शन के अवसर एवं गुरुवाणी आशीर्वाद प्राप्त करे के अवसर सब लोग प्राप्त हो। तो वही कड़ी में ये अंतिम कार्यक्रम के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित है। तो निश्चित रूप से जितने भी यहाँ संत समाज बैठे हुए हैं, हमर सबो महंतगण, राज महंत, जिला महंत, ब्लॉक महंत, सेक्टर महंत, अड़गवा महंत, भंडारी साटीदार पंच प्रमुख सियान मन, और बड़े ही खुशी के बाद आज के कार्यक्रम में हमारे सबो संगीत भजन कलाकार साथी मन और आप सबो माता बहनी बाल बच्चे युवा साथी मन, आप मन से मन पूछना चाहता कि आप सब मन कैसे हो, आपके बाल बच्चा मन कैसे हैं और आप सब बने बने हवाओं की नहीं, यही जानने के खातिर ही ये घर घर गुरुचरण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो आप मन बताओ, आप सब मन कैसे हम और सब बने बने हवाओं की नहीं हो, आप सब माता मन सब बने बने हवाओं, आप सब मन बने बने हवाओं की नहीं माता मन की, और आपके बाल बच्चे मन सब ठीक है, माता मन से पूछता आप सब बने बने हवाओं, तो कोनो कुछ नहीं बोल पा, कुछ देर के लिए सब चुप हो जाते, सोचते कि ये कहाँ पूछा था, पहली बार कोनो पूछा था, कोई बात नहीं है, जब पूछतन तो सब चुप जरूर हो जाते हैं और एक दूसरे लेके देखते हैं, लेकिन सबके चेहरे में एक मुस्कान जरूर आ जाता है, तो ये मुस्कान से हमन जान लेते हैं कि हाँ आप सब मन सब कुशल हो, सब बने बने हो, और ये तरफ सब युवा साथी संत मन सब ठीक हो, आप सब बने बने हो जी, आओ बाबा सब बने बने हैं, संत मन बने बने सब थोड़ी बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया, सब चेयर कुर्सी बैठे सब महंत मन सब सब एकदम कुशल मंगल एक नंबर, बड़े खुशी की बात है। निश्चित रूप से आप सबके संदेश प्राप्त हो कि 2 वक्त की रोटी, चैन की नींद, अमन चैन सुख शांति आपके जीवन में बने हुए हैं। तो हम परम पूज्य घासीदास बाबा जी से यही प्रार्थना करथन कि सदैव आपके चेहरे में ही मुस्कान बने रहे, आपके जीवन में सदैव उन्नति, विकास, सुख समृद्धि हो, आपके बाल बच्चा मन स्वस्थ रहें, दिन दुगनी रात चौगनी आप सब तरक्की करो, आपके परिवार में सदैव अमन चैन सुख शांति हो, और आप सब पूरा परिवार जो मेहनत करे हैं सबके घर में अन्न लक्ष्मी धन लक्ष्मी के वास हो, सबके घर में अन्न लक्ष्मी के आगमन हुए हैं। हम बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि सबके घर की कोठी ढाबा सदैव भरे रहे, किसी प्रकार की कमी आपके घर में मत होए और आपके परिवार में आपसी प्रेम भाईचारा बने रहे, आपके बाल बच्चा मन उच्च से उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ के अपन जीवन में माता पिता परिवार समाज देश के नाम में भी रोशन कर सकें, ऐसा जीवन की ओर आगे बढ़े, यही हम परम पूज्य घासीदास बाबा जी से प्रार्थना करते हैं। बोले परम पूज्य घासीदास बाबा की जय। अब हमर ओर से भी आप सब समस्त महंत मतलब बहुत बहुत आशीर्वाद साहेब सतनाम, ये तरफ सब माता बहनी बाल बच्चे सब लोग बहुत बहुत आशीर्वाद साहेब सतनाम, साहेब सतनाम, साहेब सतनाम। अब हमन गुरुवाणी संदेश की ओर बढ़ते हैं। ये घर घर गुरु चरण के साथ जब हर घर में हमन पहुंचा था तो एक विशेष संदेश और विचार ला लेकर के हमन चला था। यह कार्यक्रम घर घर गुरु चरण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य ये है कि सत पुरुष का आदेश लेकर यह धरती लोक में आया हूँ,
सतपुरुष का आदेश लेकर यह धरती लोक में आया हूँ। भूले भट्ट के संतों को सतनाम का मार्ग दिखाने आया हूँ। समय रहते समझ जाओ मेरी बातों को, समय रहते समझ जाओ मेरी बातों को, मोक्ष का मार्ग दिखाकर सबको सतलोक ले जाने आया हूँ। सतलोक ले जाने आया हूँ। ये घर घर गुरुचरण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब मन मन ये विचार करथन, कई बड़े बड़े वक्ताओं के माध्यम से, कई संतों के माध्यम से हम सुने ला देखे ला मिलते कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश उपदेश सत अहिंसा के मार्ग ला जन जन तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है, हर मानव ला सतनाम के मार्ग में लाना है, मोक्ष मुक्ति की ओर बढ़ाना है। ऐसे सुनसन जरूर लेकिन हो ही गई, तो यही विचार जब गुरुकुल में हम जन्म लिहन गुरु घासीदास बाबा जी के आशीर्वाद से, तो सिर्फ गुरुकुल में जन्म लेने मात्र से वह जीवन के आनंद लेने के लिए जन्म नहीं ले, गुरु बाबा जी के जो विचार है संदेश से सतनाम के बानी है ओला जन जन तक पहुँचाए के लिए घर घर तक पहुँचाना ये हमारे दायित्व और कर्तव्य जिम्मेदारी है। तो जब तक ये धरती में हवन तो अपन दायित्व जरूर पूरा करे खातिर अब ये घर घर गुरु चरण चलते हैं, अर्थात हर घर में सतनाम के दीप जलाए जाते हैं, हर घर में सतनाम के ज्ञान पहुँचते हैं, हर मानव सतनाम के मार्ग दिखा करके मोक्ष मुक्ति की ओर ले जाने के लिए ये कार्यक्रम बनाए गए। तो निश्चित रूप से जब यहाँ पर पूरे मानव समाज ग्रामवासी सब एकत्रित हुए हैं तो आवाओ हम सब मिलकर के एक साथ सतनाम सतपुरुष पिता से गुरु घासीदास बाबा से गुरु मन से माता मन से हम सब अर्जी करथन विनती करथन कि पूरे विश्व में चराचर जीव जगत में अमन चैन हो, सुख शांति हो, हर घर में रोटी कपड़ा मकान हो और ये चराचर जगत के कल्याण हो। हम सब के लिए पूरे विश्व के कल्याण के लिए पुरुष पिता से प्रार्थना करते हैं। तो अपन जो मन बैठे हैं अपन स्थान में बैठ करके विनती करना है तो सब आप और हाथ पसार के नहीं खोल के रखना है, आशीर्वाद मांगना है। जब भी हमन गुरु चरण में जाथन प्रणाम करे लगे दर्शन करे लगे तो हमन देखन कि सब प्रणाम करते अपन अपन चरण भेंट में। ये हमर सतनामी समाज के एक संस्कार है कि जब गुरु के चरण में जाथन तो खाली हाथ नहीं जा करके नारियल पान सुपाड़ी रुपया पैसा देकर जैसन सजाथन तो हम सबला सही विधि के ज्ञान नहीं है कि आखिर गुरु चरण प्रणाम कैसे किए जाते। सब अपन मन इच्छा जरूर कर लेते हैं लेकिन विधि का है किस प्रकार से गुरु चरणों में नमन करना चाहिए प्रणाम करना चाहिए। हम एक प्रयास करते हैं आने वाले भविष्य में, अभी जो सत्संग ऐसे करते हैं गुरुवाणी इला भविष्य में प्रोजेक्टर के माध्यम से किए जाए। प्रोजेक्टर के माध्यम से मतलब एक स्क्रीन लगाया जाए जेमा तस्वीर दिखाए जाए कि सेठ खां इस सेठ खां की तस्वीर देखने मिली। जैसे स्कूल में टीचर मन आज आधुनिकता आज चले जाते बड़े बड़े स्कूलों में स्क्रीन लगे हुए थे, बड़े टीवी लगे जेमा कंप्यूटर के माध्यम से जुड़े रहे थे और जो सर है टीचर है मैडम है वो टीवी के माध्यम से पढ़ा के दे जैसे दिखते देकर मतलब दे होकर मतलब है। इसी प्रकार से आप पूरे मानव समाज में सत्संग के माध्यम से प्रोजेक्टर के माध्यम से सिखाए जाए बतलाए जाए एक एक भेद ला कि सेठ काम है तो सेठ काम के चौरा कैसे दिखते सेठ काम देकर मतलब कहे चौरा का मतलब हम काम के मतलब भूख के मतलब डंडा का मतलब झंडा का मतलब ऊपर में जो मुकुट लगे ओकर मतलब ऐसे एक एक चीज ला पढ़ाए जाए सिखाए जाए ताकि हमारे बच्चा मन एक एक बारीकी से ओला समझ सके। आप लोग टीवी के माध्यम से इसे स्क्रीन के माध्यम से दिखाए जाए कि प्रणाम कैसे करे जाते हैं, मतलब देखना सुनना और समझना इन तीनों चीज एक साथ हो तब हमर बाल बच्चा मतलब सही संस्कार सही ज्ञान ओकर आत्मा हृदय में समझ में आवे। तो इस प्रकार से हमन आगे भविष्य में एला आधुनिकता की ओर आगे बढ़ाबो ताकि हम सब लोग सही तरीके से समझ आ पाए। बाबा हम सब मिलकर एक साथ गुरु बाबा जी से प्रार्थना करथन। तो सब अपन सब जन युवा साथी मन तो खड़े हैं बैठने के स्थान नहीं है कोई बात नहीं वहीं से प्रार्थना करो अपन नेत्र आँख ला बंद कर लो और अपन हाथ ला खुला रखना यानी हाथ खुला रखना हम गुरु बाबा से आशीर्वाद मांगत
तो मांगना है गुरु चरण में ही जाना है तो हाथ ला इसे उल्टा करके नीचे, हाथ खुले होना चाहिए गुरु के चरण के नीचे। अमर जो उंगली है वो गुरु के अंगूठा से स्पर्श करते हुए प्रणाम करना चाहिए ताकि अमर माथा जो है गुरु के चरण के समीप रहे और हाथ खुला हुआ रहे ताकि उनका आशीर्वाद जो भी हम मांगे ना है मनोकामना अमर झोली में हमला प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से हाथ खुला रखना है, आँख बंद करना है और आँख बंद करके जैसे हम जो शब्दों के उच्चारण कर वो आप सब भी दोहराना है। आप सब भी जो खड़े हैं वहीं से अपन कर सकते हैं। तो ये पता चले ही कि